Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire des kebabs à ma façon. C'est vraiment délicieux. जी अस्सलाम वालेकुम सबको, जरा की मामा का सलाम। आज हम आलू के पम देते हैं, आलू के कबाब बनाने लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से। तो हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं उसमें क्या क्या जाएगा। जी जोगा, alors ça c'est de la farine, ça c'est de la farine de pois chiche, ça c'est de la farine de pois chiche, ça c'est amande, ça c'est chou, ça c'est ce qu'on va ajouter après. ये जी coupé en deux. हमने दूसरा ये स्टेप है, लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं कि इसमें जो है वो बंद गोभी जाएगी, हमने धो के और इसमें डाल के ड्राई कर ली है। ठीक है, आपको जैसे आसानी लगती है आप किसी कपड़े में भी डाल के ना तो उसको ड्राई कर सकती हो, हमें ड्राई चाहिए। और उसके साथ हमने लिया है बेसन, इसमें ज़रूरत वो हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको साथ दिखाएंगे। और ये है मैदा, ये जी हैं बादाम और काजू, ये एक्स्ट्रा हैं, आपको अगर डालना चाहते हो तो डालो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो इतना चीज़ उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके साथ हमने जो हमारे लाजमी जो पहले हमने करना है तैयार मसाला, ça c'est des pommes de terre, ça c'est des oignons, ça c'est des piments rouges frais, ça c'est du poivre, ça c'est du sel, ça c'est de l'huile, ça c'est des carottes, graines de colza, graines de Niger et cumin. जी हम इसमें इस्तेमाल हो गए, हमने उबाल के लिए हैं आलू, लिए हैं चार से पांच थे, बड़े थे आलू, उसको काट के हमने इस शेप में छोटे छोटे काट लिए हैं। उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं, ये इसमें ज़रूरत का जितना आप खाते हो आपके घर में इस्तेमाल होता है। एक मैंने प्याज लिया है, इसमें ज़रूरत नमक है, काली मिर्चें हैं, गाजर हमने कद्दूकश कर लिए हैं धो के ड्राई करके कद्दूकश किए हैं। उसके साथ मैंने थोड़ा सा हमने मसाले चाहिए, ये सरसों के दाने हैं, ये कलौंजी है और ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। और साथ हम जैतून के तेल में इनको जो है ना सबको थोड़ा सा सोते करना है, फिर हम आपको अगला बताते हैं। इस टाइम Alors on a mis le gaz. Maintenant on va mettre le récipient. जी अब इसमें आप ले आए बेटा जी जैतून का तेल डाला है। On va ajouter de l'huile. दो से ढाई चम्मच, इससे ज्यादा नहीं, कि फिर ये जब फोल्ड होंगे तो फिर वो सही नहीं करेगा। हमने खाली थोड़ा सा इसको सोते करना, तीन चम्मच, वो तीन छोटी चमचें बस। अब इसमें ये जो गेंद रखे हैं ये ले हैं जी, बीज हैं जो सरसों के, कलवंजी और जीरा पाउडर, इनको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, किसी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। गरम हो गरम फिर प्यारा लगेगा। आप इसको जो है वो बटर में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको इधर रहने दे बेटा, और दूसरी तरफ ले आए हरी मिर्चें, इसके ऊपर नहीं डाली, साइड पे डाली, छोटी टी स्पून भी ले लें, आपने आप ही लगाना हरी मिर्चों को, ये वो आप अगर लगे मुंह पे तो बच्चों के लिए डिफिसिट, बड़ों के लिए भी होता है बच्चों के। तो इसको इधर साइड पे डालें, तीन चम्मच डालें, ये आपके अपनी चॉइस है कि आप कितना स्पाइसी लेते हो। तो आप इसके साथ ले आए प्याज भी, पहले गाजर ले आए बेटा, अभी इसको हमें मिक्स करना ले आए, गाजर डालें बेटा जी ने गाजर के पानी से, फिर ये चीज़ें जो है ना वो जलेंगी नहीं और ये खुशबू भी देगी। गाजर बहुत खूबसूरत लगती है मुझे डेकोरेशन में,
टेस्ट भी होता है मज़े का, लेकिन नहीं की फिनिश और खूबसूरत भी बहुत अच्छी है। गाजर को हमने थोड़ा सा पहले पकाना है, ये कबाब बनाते हुए जो है ना अभी नहीं, बाद में वो नहीं डालेंगे, इसका कवर ले आए। तो दो मिनट हमने जो है ना हल्की आंच करके, तो ये वो पड़ा है आगे देखे प्याज वाली कुछ में पड़ा हुआ है जो हमने छोटा छोटा काट के रखा है। Maintenant, on est en train de mettre les oignons. On doit garder ça deux minutes en mettant les oignons. On va ajouter du sel. हमने जो है एक छोटी चम्मच आप ली है, आप स्पेस जरूरत आप डालते हो डालना है आप। थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है, अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, तो फिर हम जो है वो ऐड करते हैं इसमें आलू डालते हैं। बिल्कुल देखें आप, ऑयल बिल्कुल जो है ना वो ना होने के बराबर है। Alors on est en train de mélanger ça. On a gardé deux minutes. On va mettre les oignons maintenant. अब इसमें हम जो है ना पॉम डे टेर आलू डालने लगे हैं। आलू को मिक्स करते हैं सारी चीजों में। कच्चा पन खाली जो है ना वो बहुत ही टेस्टी, जब भुने हुए आप मसाले डालते हो ना आलू को किसी चीज़ में बहुत ही मज़े का बनता है। मैं इसी तरह इंशाल्लाह कभी आपके साथ समोसों की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बहुत ही मज़े की। Alors on a mis les oignons là et on est en train de mélanger. On va ajouter les amandes à l'intérieur. अब इसमें हमने बादाम और काजू का जो है हमने पाउडर बनाया हुआ है ब्लेंड करके, वो हम इसमें ऐड करते हैं। बड़ा डिफरेंस है टेस्ट आता है, इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़े का बनता है, एक्स्ट्रा है आपकी अपनी चॉइस है। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है और उस मसाले को हम जो है ना मिक्स कर लेंगे, ग्राइंडर में नहीं करना, उसमें बहुत ही ज़्यादा वे ठीक हो जाता है, थोड़ा सा मोटा मोटा तो तोड़ना है, मिक्स हो जाए सारी चीज़ें एक जान हो जाए ना उनकी मदद से, बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे। हमने मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हमने हरा धनिया डालना है। अब जी इसका दूसरा हमने एक हमने मसाला तैयार कर लिया है और अब जिसमें मसाला हमने भरना है वो तैयार करने लगे हैं डो। चले सोखा बेटा आ जाए। Alors on va mettre de la farine de pois chiche। बड़ी चम्मच ले ले बेटा, एक कप हमने लिया है मैदे का। De la farine। एक कप लिया हमने बेसन का। इसमें एक अंडा जाएगा क्रिस्पी करने के लिए, अंडे को हमने फेंट लिया था लादा, अब हम इसको मिक्स करेंगे हस्बे जरूरत पानी।
On va mettre du sel. हसबे जरूरत थोड़ा सा हमने डाल लिया था मसाले में, लेकिन थोड़ा सा हमने बेसन में भी डालना है कि डो में थोड़ा सा कलर के लिए सूख मिर्चे और थोड़ा सा इसी तरह जीरा फिलिंग जो हमने तैयार करी है उसमें डालना है सफेद बेल फूला इस क्वांटिटी की होनी चाहिए हमारी और जो हमने बंद गोभी ली थी उसमें हमने जो है ना ये मसाला जो है भरना है और उसको डो में करके तो फ्राई करना है। फिर हम साथ साथ आपको बताते हैं। चूल्हा हमने चूल्हे में रख दिया हमने घी गर्म होने के लिए, जब तक हम तैयार करते हैं तब तक जो हमारा घी भी गर्म हो जाएगा और जल्दी बन जाएंगे। हमने जो डो बनाई है उसमें हमने जो है ना थोड़ी सी चीज भी डालनी है, तो हम दिखाते हैं आपको साथ। Alors on est en train de mettre dans le chou notre préparation. ये देखिए हमने बंद गोभी ली है, उसमें हमने मसाला डाला है और थोड़ी सी हमने चीज डालनी है। इसी तरह हमने सारे जो है ना वो तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं हमने इस स्टाइल से ये पैक किए हैं, इनमें मसाला भर रहा है और चीज भर डाली है। तो आप जो है हम उनको डीप करेंगे बेसन और मैदा और अंडा और जो हमने डो तैयार किया है, फिर आप इसको हम फ्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। Alors maman elle est en train de les tremper dans notre préparation. इस तरह हमने इसको लगा लिया है तो अब हम इसको डीप करने लगे हैं। इसी तरह सारे करेंगे तैयार कर रहे हैं हमने करके आप सारे हमने जो है ना वो फ्राई कर लेने हैं। ऐसे सारे मम्मा फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए हमने सारे डाल दिए हैं जो हमारे आते थे, उसके बाद फिर हमने ये देखें हमने इसी तरह उल्टाना है इनको आराम से, तो ये फूलेंगे भी नहीं और सारे हमने इनको फ्राई करना है। ये देख सकते हैं हमारी आलू और बंद गोभी की जो कबाब भी कह सकती हो पूरी भी आप कह सकती हो तैयार हो गई। अब हम इसको निकालते हैं उनके बाद। खूबसूरत स्टाइल से फ्राई हुए हैं, इतना प्यारा इनका कलर आया। ये बेटा सुबह और बस चीका ढूंढ रहा है। Alors on a trouvé une nouvelle manière pour faire sans les mains et sans salir. Allez, avant de vous dire de faire la tour. इसी तरह आप सारे जो है वो फ्राई कर लें। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह लुक आई है। तो इसके बाद फिर हम जो है वो सैंडविच बनाते हैं। ये आप कह रहे हैं कि आप किस में बनाना बनाते डालते हो, आप ब्रेड में भी डाल सकते हैं, बर्गर की जो ये ब्रेड उसमें भी डाल सकते हैं और उसके साथ जो है हमारे यहाँ पे है इसको फ्रेंच ब्रेड भी कह सकते हैं हम, तंदूरी रोटी भी कह सकते हो। तो इसमें हम डाल के सॉस वगैरह लगा के तो फिर दिखाते हैं आपको। ये जी कुछ सॉस हैं डिफरेंट टेस्ट की कलर की और ये बर्गर सॉस है, ये भी बर्गर सैंडविच सॉस है और ये सब्जियों का मिक्स सॉस है प्याज और खीरे की। वो तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी लगा सकते हो इसमें। तो हम जो है आप इसमें सैंडविच मेकर में डालते हैं
और फिर इसको तैयार करते हैं कि ब्रेड भी गर्म होगी तो उससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखें हमने काटा है, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब हम सैंडविच मेकर में डालते हैं और बर्गर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी देखें हमारे स्टाइल से तैयार हुए हैं, हमने गरम ब्रेड को भी गरम कर लिया है, रोटी को भी, के तो ये नेचुरल पकोड़ा है और ये जो है जिसमें हमने ऐड किया है, आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे खाते हो, सॉस लगाओ और मज़े से खाओ, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le pouce. चले जी, जरा आप आपको गुते करके दिखाती है टेस्ट S'il vous करके। plaît, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le pouce et appuyez sur la cloche de notification. Maintenant, on va déguster. क्रिप्सी और बीच में से नरम, बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही माशाल्लाह। आप भी प्लीज टेस्ट के बनाइएगा और हमारे साथ जो है वो शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, आपने खाया, बनाया है, खाया और आपको कैसा लगा। J'ai vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé. इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़। Au revoir.